अगर फॉस्टर दोबारा जिंदा हुआ तो उसे दूसरी बार भी फांसी पर ही चढ़ाया जाएगा। ये कहना था लंदन कोर्ट का, जिसके ऑर्डर पर 18 जनवरी 1803 में जॉर्ज फॉस्टर नाम के एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसे कोर्ट ने एक और क्रूर सजा दी कि अब उसकी बॉडी को सम्मान से दफनाया नहीं जाएगा, बल्कि उसकी बॉडी साइंटिफिक कम्युनिटी को एक्सपेरिमेंट्स के लिए दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर चीजें बदल गई, क्योंकि इस डेड बॉडी को जियोवानी अल्डिनी नाम के लंदन के सबसे फेमस साइंटिस्ट में से एक के पास भेजा गया, जिसका कहना था कि वो जॉर्ज फॉस्टर को जिंदा कर देगा, और वो भी सबके सामने। जियोवानी अल्डिनी कोई साधारण इंसान नहीं थे, क्योंकि उस समय अल्डिनी अपने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट से पहले ही लोगों को कई डेड एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को मूव करके दिखा चुके थे, और अल्डिनी का ये पहला ह्यूमन बॉडी एक्सपेरिमेंट था। इसलिए लंदन के कई लोगों का मानना था कि अल्डिनी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, और ये हुआ भी। क्योंकि दोस्तों, जब ये एक्सपेरिमेंट लोगों के सामने किया गया तो जॉर्ज फॉस्टर की बेजान डेड बॉडी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर वहां एक्सपेरिमेंट को देखने आए पढ़े लिखे वैज्ञानिक भी डर कर भागने लगे। अब कईयों को वहीं पर पैनिक अटैक आ गया, और एक इंसान तो तुरंत ही हार्ट अटैक से मर भी गया। दोस्तों, ये था रियल लाइफ फ्रैंकेंस्टाइन एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इतना पॉजिटिव था कि आज भी उन्हें हम अपनी मेडिकल साइंस में टेक्निकल स्तर पर मर चुके इंसानों को दोबारा से जिंदा करने के लिए यूज करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1780 से, जब लुईगी जियोवानी नाम का एक जीनियस वैज्ञानिक अपने नेफ्यू यानी कि भतीजे जियोवानी अल्डिनी के साथ मिलकर एक मैडक की डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी जब उन्होंने जैसे ही आयरन स्केपल उस मैडक की टांग पर लगाया तो अचानक से मैडक की बॉडी में तेज मूवमेंट हुई, जिसने जियोवानी को काफी हैरान कर दिया। इसके बाद जियोवानी ने एक डिटेल रिसर्च के बाद अपनी एक खुद की थियरी पब्लिश की, जिसमें जियोवानी का कहना था कि डेड मसल्स एक खास तरह का वाइटल फ्लूइड कंटेन करती है, जिसे उन्होंने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। अब जियोवानी की थियोरी के मुताबिक सभी बायोलॉजिकल शरीर, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, जिनमें उनका ब्रेन इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का प्रयोग करके इंसान के बॉडी पार्ट्स को मूव करता है। अब ऐसे में अगर हम उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को रेप्लिकेट कर सके तो ब्रेन के मरने के बावजूद भी हम बॉडी के पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। पर उस समय जियोवानी की बातों पर ज्यादातर वैज्ञानिकों को यकीन नहीं था, और जियोवानी भी अपनी बढ़ती उम्र के कारण इस एक्सपेरिमेंट और थियोरी को ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ा सके। लेकिन फिर उनकी इस रिसर्च की कमान उनके भतीजे जियोवानी अल्डिनी ने संभाली, जिसने लुई की जियोवानी को तो सही साबित किया ही, और तो और उनकी रिसर्च में इंसानी डेड बॉडी को भी जिंदा करने की बात कही, और यहां से शुरू हुई एक और कहानी की। 5 दिसंबर 1802, जॉर्ज एटकिंस अपनी नाव से पैडिंगटन रिवर से होकर गुजर रहा था, तभी उसकी नाव पानी में किसी चीज से टकराई। अब एटकिंस ने पानी में नीचे की ओर जब देखा तभी उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये एक बच्ची की लाश थी। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए वो पुलिस की ओर भागा। पुलिस मौके पर पहुंची और शरीर को रिवर से बाहर निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन तभी पुलिस को रिवर में एक और डेड बॉडी मिली, जो कि एक महिला की थी। अब हैरानी की बात तो ये थी कि जांच में ये सामने आया कि ये दोनों ही माँ और बेटी थी, जो कुछ दिनों पहले ही लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई और पहला शक महिला के पति जॉर्ज फॉस्टर पर गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसे और उसके परिवार को नदी के किनारे घूमते हुए कई लोगों ने देखा था। जब जॉर्ज फॉस्टर से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया, जिसके बाद पूरे लंदन में लोग उसे जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाने की मांग करने लगे। अब इसी दौरान मिस्टर पास नाम के लंदन के एक अमीर और ताकतवर इंसान ने जॉर्ज फॉस्टर को जल्दी सजा दिलवाने के लिए उसके केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की मांग की, और उसकी बात को मान भी लिया गया, और जिसके बाद कोर्ट ने कुछ ही दिनों में जॉर्ज फॉस्टर को फांसी की सजा सुना दी, जिसे मानते हुए लंदन की न्यूगेट जेल में 18 जनवरी 1803 में उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर यहाँ पर अब पिक्चर में थोड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये समय था
18th सेंचुरी का, जिस समय हमारी मेडिकल साइंस एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो कर रही थी। अब कई वैज्ञानिक एनिमल बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, जिनमें जियोवान्नी एल्डिनी भी शामिल था, जो उस समय ब्रिटेन का काफी फेमस वैज्ञानिक बन चुका था। लंदन में कई लोग उसे जादूगर तो कई लोग उसे शैतान कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट से कई मरे हुए जानवरों का चेहरा, उनका मुंह और उनके टांगों को करंट की मदद से मूव कराया करता था, जिससे एक ही समय पर लोग डर और चौंक जाया करते थे। इसीलिए जब एल्डिनी ने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए क्रिमिनल बॉडीज की मांग की, तो उसकी इजाजत उसे खुद लंदन के टॉप ऑफिशियल से मिली थी, जिसका पहला एक्सपेरिमेंट अपनी फैमिली की हत्या के लिए फांसी पर चढ़ाया गया जॉर्ज फॉस्टर था। इसलिए कई लोग इस बात से डरे हुए थे कि क्या होगा अगर फॉस्टर एल्डिनी के एक्सपेरिमेंट से दोबारा से जिंदा हो जाए तो। और इसीलिए उस समय कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि अगर फॉस्टर दोबारा से जिंदा हो जाता है तो उसे दोबारा से फांसी पर चढ़ाकर मार दिया जाएगा। अब दोस्तों शुरू होता है एल्डिनी का एक्सपेरिमेंट। फॉस्टर की फांसी के तुरंत बाद उसकी बॉडी को एल्डिनी के लैब में पहुंचा दिया जाता है, जहां वो एक्सपेरिमेंट को लाइव दिखाने के लिए कई बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और जर्नलिस्ट को इनवाइट करता है, जिसके बाद सभी के लैब में जमा होने पर एक्सपेरिमेंट रात को शुरू होता है। जॉर्ज फॉस्टर की बॉडी को एल्डिनी के टेबल पर रखा गया। सभी लोगों के बीच एक अजीब डर का माहौल था, पर एल्डिनी काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था, मानो उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, जिसने लोगों को और भी डरा दिया। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत दो बड़े इलेक्ट्रोड से हुई, जिनको एक बड़ी बैटरी से जोड़ा गया था, और जिन्हें एल्डिनी ने फॉस्टर की डेड बॉडी के दोनों कानों में लगा दिया, ताकि करंट उसके एक कान से होते हुए दिमाग के हिस्सों को पार करके दूसरे कान में लगे इलेक्ट्रोड तक पहुंच सके। इसके बाद जो हुआ, उसने उस एक्सपेरिमेंट को मानव इतिहास के सबसे डरावने एक्सपेरिमेंट्स में से एक बना दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोड में करंट फ्लो के कुछ सेकंड बाद ही अचानक फॉस्टर ने अपना जबड़ा खोल दिया। अब ये मंजर इतना डरावना था कि कई लोग तो डर के मारे चिल्लाने लगे थे, कि तभी फॉस्टर की बॉडी की एक आंख भी खुल गई। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो कई लोग लैब से डरकर भागने लगे, जिसमें से कई तो वैज्ञानिक और डॉक्टर भी थे, पर एल्डिनी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, और कुछ क्यूरियस लोग फिर भी वहां पर बैठे रहे, या फिर शायद डर के मारे वो फ्रीज हो गए थे, इसीलिए भाग नहीं पाए। पर दोस्तों तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद एल्डिनी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि अब फॉस्टर की पूरी बॉडी तेजी से हिलने लगी और अचानक उसने अपने हाथ पैर तेजी से पीटने शुरू कर दिए, मानो कि वो जिंदा हो चुका हो और दर्द से अपने हाथ पैर पीट रहा। अब जिसने भी फॉस्टर की बॉडी को ऐसी हालत में देखा, वो डर से चिल्लाने लगा। अब इस समय लोगों के बीच मिस्टर पास भी बैठे हुए थे। अब ये वही मिस्टर पास है जिसने फॉस्टर को जल्दी फांसी पर चढ़ाने के लिए उसके केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की सिफारिश की थी, और इसीलिए जब उसने फॉस्टर की डेड बॉडी को इतनी तेजी से पैर और हाथ हिलाते हुए देखा, तो वो इतना ज्यादा डर गया कि ऑन द स्पॉट उसे एक हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। जो भी इस एक्सपेरिमेंट को देख रहा था, सबने ये मान लिया था कि एल्डिनी ने एक्चुअली अपने एक्सपेरिमेंट से फॉस्टर को जिंदा कर दिया है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में आगे क्या हुआ? क्या फॉस्टर सच में जिंदा हुआ या नहीं? ये आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि इसके बाद की सारी जानकारी को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा रिकॉर्ड से मिटा दिया गया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से जियोवान्नी एल्डिनी पूरे लंदन में और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में इतना ज्यादा फेमस हो गया कि अब लोग उसके रिसर्च पेपर्स को पढ़ने लगे। कई लोग तो ये मान चुके थे कि एल्डिनी के एक्सपेरिमेंट के जरिए लोगों को जिंदा किया जा सकता है, और इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराने के लिए साल 1867 में एंड्रयू उरे नाम के एक यंग स्कॉटिश साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म करने की कोशिश की, और हैरानी की बात तो ये थी कि उसे भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मंजूरी मिल गई, और गवर्नमेंट ने उसे भी फांसी पर चढ़ने वाले क्रिमिनल की डेड बॉडी सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसकी लंदन गवर्नमेंट के पास कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का कानून इतना ज्यादा सख्त था कि करीब 300 अलग अलग तरह के क्राइम्स में दोषी को तुरंत ही फांसी की सजा दे दी जाती थी। यानी कि एंड्रयू उरे के पास डेड बॉडीज की कोई भी कमी नहीं थी। एंड्रयू के एक्सपेरिमेंट उस समय एक्सपेरिमेंट से ज्यादा एक पब्लिक शो हुआ करते थे, क्योंकि एंड्रयू अपने एक्सपेरिमेंट्स को बड़े से हॉल में कई 100 लोगों के सामने परफॉर्म किया करता था, बिल्कुल एक जादूगर की तरह।
जहां वो कभी जानवरों के चेहरे और कभी बॉडी पार्ट्स को करंट की मदद से मूव करता था, तो कभी वो इंसानों की डेड बॉडी को करंट की मदद से मूव कराया करता था। और अपने सामने किसी क्रिमिनल डेड बॉडी को जिंदा लोगों की तरह हिलते हुए देखना इतना डरावना था कि एंड्रयू के एक्सपेरिमेंट को देखने आए कई लोगों की तो डर से तबीयत भी खराब हो जाती थी। अब एंड्रयू उरे ने भी 18th सेंचुरी में अपने इन एक्सपेरिमेंट से लंदन में काफी नाम बनाया, पर इसी कारण एंड्रयू पर कई क्रिश्चियन चर्च की भी नजर पड़ गई। और उस समय चर्च को लंदन में कोर्ट और किंग के बराबर का दर्जा दिया जाता था और उनकी सभी बातों को माना जाता था। और चर्च का मानना था कि एंड्रयू उरे अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के नाम पर शैतानी आत्माओं को अपनी लैब में बुलाता है। और ये बात जैसे ही फैली, लोग एंड्रयू के एक्सपेरिमेंट के खिलाफ हो गए, क्योंकि उस समय लोग धर्म को लेकर काफी ज्यादा ओवर पोजेसिव हुआ करते थे। और शैतान जैसी बातों में तो लोगों का इतना मानना था कि वो इसके लिए लोगों की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाया करते थे। और इसीलिए अंत में एंड्रयू भी अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। पर देखो, सबसे जरूरी सवाल तो यह है कि क्या पागलपन से भरे इन साइंटिस्ट के ह्यूमन बॉडीज को जिंदा करने के लिए किए गए डिफरेंट फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट से मेडिकल साइंस को कोई फायदा मिला? तो आपको जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि इन्हीं फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होकर कई ऐसे डिवाइसेस, टिप्स और ट्रिक्स की डिस्कवरी हुई जिनसे डॉक्टर्स आज भी हर साल हजारों लोगों की जान बचाते हैं, या शायद उससे भी ज्यादा नंबर्स में। अच्छा, आपको डॉक्टर्स की वो आयरन प्रेस जैसी मशीन तो याद ही होगी जो डॉक्टर तब यूज करते हैं जब इंसानी दिल काम करना बंद कर देता है। हाँ, यही जिसमें डॉक्टर बार बार चेस्ट को इलेक्ट्रिक शॉक देकर हार्ट बीट को दोबारा से चलाने की कोशिश करता है। और इंडियन टीवी सीरियल्स में तो आपने इसे कई बार यूज होते हुए देखा भी होगा। तो इस मशीन का नाम है डिफिब्रिलेटर, और इस मशीन को जियोवानी एल्डिनी के फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होकर ही बनाया गया था। और हैरानी की बात तो ये है कि ये मशीन सच में काम करती है। और इतना ही नहीं, हार्ट पेशेंट के शरीर में हार्ट बीट को नॉर्मल बनाए रखने के लिए लगाए जाने वाले पेस मेकर भी इन्हीं एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इन फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो चुका था कि हम ह्यूमन बॉडी मसल्स को स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार आपने मूवीज में देखा होगा कि ब्रेन डिजीज जैसे मेंटल ब्रेकडाउन यानी पागलपन, डिप्रेशन में कई बार डॉक्टर पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं। तो इस टेक्निक के बारे में भी हमें जियोवानी एल्डिनी के एक्सपेरिमेंट के जरिए ही पता चला। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा बॉडी के किस हिस्से को कंट्रोल करता है, इनकी नॉलेज भी मेडिकल साइंस में हमें इन फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट से ही आई है। यानी अगर 18th सेंचुरी में ये पागल साइंटिस्ट ना होते तो शायद आज हमारा मेडिकल साइंस इतनी तरक्की ना करता। और एक बात तो हम सब मानेंगे कि इस ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरक्की में इस तरह के पागल वैज्ञानिक का सबसे बड़ा हाथ है। अब अंत में समझ लेते हैं कि आखिर मरे हुए इंसानों को जिंदा करने की कोशिश वाले इन एक्सपेरिमेंट को फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट ही क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, साल 1818 में मैरी शेली नाम की एक 20 साल की लड़की ने ह्यूमन हिस्ट्री के फर्स्ट साईफाई नोवेल को पब्लिश किया, जिसमें एक ऐसे पागल वैज्ञानिक की स्टोरी थी जिसने एक डेड बॉडी को दोबारा से जिंदा करने के चक्कर में उसे एक ताकतवर शैतान में बदल दिया। और इसी किताब का नाम था फ्रैंकेनस्टाइन, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी इंस्पिरेशन मैरी शेली को जियोवानी एल्डिनी के जॉर्ज फॉस्टर की बॉडी को जिंदा करने के एक्सपेरिमेंट से ही मिली थी। और इसीलिए मैरी शेली की किताब को पढ़ने के बाद लोगों ने ह्यूमन बॉडी को जिंदा करने वाले सभी एक्सपेरिमेंट्स को एक यूनिवर्सल नाम दिया, जो कि था फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा, और आप में से काफी सारे लोगों ने फ्रैंकेनस्टाइन के टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो वीडियो आपके सामने। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।